आज रेवाड़ी में पहले विधायक दादा अभय सिंह की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पर रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस की लीडर पर सवालिया निशान लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। गुलाम नबी आजाद है सत्ता की लालच में। गुलाम नबी आजाद से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बेहतर बता सकते हैं कि किन कारणों से मुलाकात हुई। हो सकता है पार्टी लाइन से ऊपर उठकर व्यक्तिगत रिलेशनशिप से वे मिलने गए हो। वहीं कुमारी शैलजा द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई करने की मांग के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में पार्टी हाईकमान ही बता सकती है, कार्रवाई करनी है लीडरशिप को, मिलने के पीछे क्या कारण था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बेहतर बता सकते हैं। वहीं विपक्ष के लगातार दबाव के कारण पंचायतों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाने को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों का हक था, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। वहीं उन्होंने अपने दादा अभय सिंह की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। आज हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने रेवाड़ी के जो प्रथम विधायक थे राव अभय सिंह जी, उनको शत-शत नमन किया। आप जानते हैं कि उन्होंने इस इलाके के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके नक्शे कदम पर मेरे पिता कैप्टन अजय यादव जी भी लगातार काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल से मेरी भी कोशिश रही है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें। देखिए, मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया और मुझे लगता है और भी महत्वपूर्ण पद उन्हें दिए गए। और उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में ऐसा कहना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि कितनी सत्ता की लालच उनके अंदर है, ये साफ़ दर्शाता है इस चीज़ से।